Good morning everyone, welcome back to my channel. Hope you guys doing well and fine. Hey, गिने चुने नगरगढ़ में सिर्फ दो दिन बचे हैं, इसलिए सोच रही हूँ कि आज थोड़ा लैब की शेयर करा दूँ आपको। तो चलो पतापत से रेडी हो जाते हैं। अभी ब्रश कर लिया है मैंने, चाय भी मसाला देके गरम कर लिया है, बेडशीट भी बिछा दिया है पूरा। अच्छी खुशबू आ रही है। अभी चाय भी लेती हूँ मॉर्निंग वाली बिस्किट के साथ, दो बिस्किट और एक कप गरम चाय। ब्लैक टी ही मैं ज़्यादातर प्रीफर करती हूँ क्योंकि मेरा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो मैं दूध वाली चाय नहीं पी सकती, बता दे रही हूँ, और क्या करूँ। अभी फटाफट चाय पी लेती हूँ, ऑलरेडी मैं लेट हूँ, आज बहुत देर से उठी हूँ। उसके बाद झाड़ू भी लगानी है और नहा धो के ब्रेकफास्ट भी करना है, रेडी भी होना है। वो भैया जो खाना लेके आते हैं वो देर कर देते हैं, इसीलिए मुझे कभी कभी बहुत देर हो जाती है लैब जाने में। लेकिन आज मैं देर नहीं करना चाहती, दीदी को भी जल्दी बुलाया है ना, अभी खुद से अगर देर करो तो दीदी को ख़राब लगेगा। दीदी भी लैब पहुंच गई है, उसने कॉल किया है कि आ जाओ, मैं आ गई हूँ। तो मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ब्रेकफास्ट दे के रखा है, ब्रेड है अभी भैया ने दिया है। तो आज ऐसे ही सिंपल सा ड्रेसअप किया है। तो आज का मेरा आउटफिट कुर्ता उसके साथ जींस, अजीब है लेकिन मैं भी तो अजीब ही हूँ। बाय बाय। ये हॉस्टल से निकल के मैं दौड़ रही हूँ, नहीं यार फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, इतना देर भी नहीं हुआ है, धीरे धीरे चल रही थी लेकिन कैमरा थोड़ा सा नीचे रह गया, सिर्फ रास्ता दिखाई दे रहा है बाकी कुछ नहीं। मैं भी ना वीडियो करना चाहती हूँ लेकिन मतलब ऐसे वीडियो करती हूँ कि लोग क्यों ही देखें, मैं खुद ही क्यों देखूँ, लेकिन फिर भी यार देख लिया करो। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। वो हम लोग हाईवे में पहुँच गए हैं, अभी लेफ्ट मुड़ के सीधा जाके 50 मीटर या 40 मीटर की दूरी पर हम लोगों को बैक साइड में, तो टीआरए जो बैक साइड का रास्ता है वो मिल जाता है, राइट साइड में सड़क के, तो ये है टीआरए का बैक साइड। फिर भी मैंने कैमरा नीचे ही रख दिया है तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ये जो पहला फ्रंट में बिल्डिंग घर दिखाई दे रहा है वो पावर हाउस है, वहाँ पे कोई मशीन का काम चलता है, मुझे इतना अच्छे से नहीं पता है। वहाँ पे एक लाइट हमेशा बहुत जला हुआ होता है, लाल वाला। और ये जो पहला बिल्डिंग है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और वहाँ पर एडवाइजरी और साइंटिस्ट लोग रहते हैं वहाँ पर। और ये तो क्लाइंट का गाड़ी है, तो स्टाफ जाने वाला होगा। ये बिल्डिंग का क्या है ये साइड में ये नहीं पता मुझे, मैंने देखा नहीं जाके। और यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग एरिया है, उसके बाद जो ब्राउन कलर का आपको लैब दिखाई दे रहा है वो जैसा है, जो वो लैब सॉइल डिपार्टमेंट का है, वहाँ पर सॉइल टेस्टिंग एनालिसिस सब कुछ वहीं पर होता है। टीआरए का मतलब टी का सॉइल, वहीं पर सैम्पलिंग होता है, एनालिसिस होता है। यहाँ पे दो प्यारे से डॉगी अभी सोए हुए हैं। और जो आपको फ्रंट में लैब दिखाई दे रहा है वो है माइक्रोबायोलॉजी, यानी हमारी लैब। यहाँ पे दीदी और हर्षित बैठे हुए हैं, चाय बनाई है दीदी ने मसाले वाली, अभी इसके बाद चाय पी के हम लैब का काम स्टार्ट करेंगे। ये अभी दीदी प्लेटिंग कर रही है पीडीए में। फिफ्टी प्लेट्स हैं, सर ने बोल के गया है करने के लिए, अभी सर आएंगे 4 बजे के आसपास। और वो हर्षित है चला गया ये हम लोग का माइक्रो लेमिनर का लैब है, और एक है वहाँ पे उस साइड में है, लेके जाऊँगी एक दिन, दिखाऊंगी वहाँ का। ये सब मीडिया, ये क्या है दीदी, ये सब ट्राइकोडर्मा है, ये हर्षित का है कल्चर, यहाँ से प्योर कल्चर किया है हम लोगों ने, कल भी किया था आज भी किया है। और ये दीदी का है सारा, ये सब, ये देखो ये सब फंगस है। 25 प्लेट तो नहीं बना दूंगी ना? हाँ
नहीं बन रहा। दीदी ने जो पीडीए यानी पोटैटो डेक्सट्रोस आगर मीडिया बनाया था, खासकर कि फंगस के लिए ये मीडिया यूज़ किया जाता है, वो अभी प्लेटिंग के लिए कम पड़ गया है। हर्षित को पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा बना के रखा था क्या, लेकिन हर्षित ने नहीं बनाया। अभी दीदी को मैनेज करना पड़ेगा उसी से। हर्षित ब्लिस्टर ब्लैक का अभी स्लाइड बनाने वाला है, ये वो स्लाइड के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और जो ये इंक जैसा डाल रहा है वो है एनिलिन ब्लू। ये फंगस माइक्रोस्कोप में देखने के लिए ये स्टेन यूज़ किया जाता है एनिलिन ब्लू का। अभी इसमें ब्लिस्टर ब्लाइट वो क्रश करके देगा, उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करेंगे। एनिलिन ब्लू खासकर फंगस के लिए यूज़ किया जाता है, और बैक्टीरिया के लिए एक अलग किट यूज़ किया जाता है, ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस बोलते हैं। वहाँ पे दो स्टेन जरूरी होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ये हम लोगों का सेकंड लैब है, और यहाँ पे दीदी क्या कर रही है? दीदी खाना बना रही है वीडियो देख के। इतना पाप चल रहा था हम लोगों को, सिर्फ मारने का काम है। उसके बाद खुद ही मार डाला। बैक्टीरिया और फंगस को हम इसी तरीके से डिस्कार्ड करते हैं। ओ, मेरा ये एंटागोनिस्टिक वाला देखो तो, इसका रिजल्ट आ गया। हाँ, वो एंटागोनिस्टिक का रिजल्ट आ गया देखो तो। यस, आ गया है। सर ने तो, सर तो भूल ही गए इसके बारे में। ये कौन सा है, मतलब बैक्टीरिया का है कि? नहीं, ये फंगस का है। बैक्टीरिया का बीओडी में रखा तो ट्राइकोडर्मा इफेक्टिव है, दिखाई पड़ ही रहा है। इसका पावर को खत्म कर दिया ट्राइकोडर्मा। अभी जो ये ट्राइकोडर्मा है वो तमाम कर दिया, फंगस को इनहिबिट कर रहा है, जो कि डिजीज पैथोजेनिक फंगस है जो डिजीज कॉज करता है, खास करके तीन। और यहाँ से हम लोग एंटागोनिस्ट यानी डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी देखते हैं ट्राइकोडर्मा का, जो कि इफेक्टिव निकला है, पॉजिटिव रिजल्ट निकला है। फ्यूजियम का नीचे होगा शायद, हो ही जाएगा सब में, इफेक्टिव ही होगा। हाँ, इफेक्टिव है ट्राइकोडर्मा। और ये ट्राइकोडर्मा बना है मेरी कोमल कोमल हाथों से। चल फिर से अल्कोहल लगा। हाँ, अल्कोहल छिड़क लो थोड़ा सा। ये देखो हम लोग का हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजेशन के लिए हम 70% अल्कोहल यूज़ करते हैं, वो इफेक्टिव होता है ज़्यादातर। और अभी लैब की जो है, ओ उस साइड में हम लोग का माइक्रोस्कोप है, मैंने दिखाना नहीं हुआ, भूल गई मैं दिखाना। वहाँ पे हम लोग अभी अब थोड़ी देर पहले वो ब्लिस्टर ब्लाइट का स्लाइड देख के आए हैं। दीदी सब ऑफ कर रही हैं क्योंकि जाने का टाइम हो गया है, और मौसम तो पूरा बारिश बारिश होके रखा है, पूरा रास्ता भीग गया है। अभी फिर से बारिश आएगी, इस मतलब जगह का ना वेदर कह नहीं सकते। अभी अभी धूप निकला, अभी 2 मिनट के बाद बारिश आ जाएगी, कुछ कह नहीं सकते। लैब की साफ़ सफाई करके थोड़ा निकलना पड़ेगा, क्योंकि लैब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये माइक्रो लैब जैसा लग ही नहीं रहा है। अभी इसको साफ़ करके हम लोग सब निकलेंगे। अभी जाने का टाइम हो गया है, मेरी नगरा ख़त्म, दिन ही ख़त्म होने वाले हैं, और वीडियो शायद नहीं बनाऊँगी मैं। जो कि ये फ्रंट साइड है, मैं बैक साइड से एंटर हुई थी। वो पर्पल कलर में रेनकोट पहने हुए दीदी है। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, जाने का वक्त हो गया गाइस, बाय।